वहीं बिहार में आज से इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक बस पर बैठकर विधानसभा तक का सफर किया। हालांकि बस विधानसभा पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया। दरअसल विधानसभा पहुंचते ही बस विधानसभा की दीवार से जा टकराई। गनीमत यह रही कि उस वक्त बस में सीएम नीतीश मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि आज 12 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 15 लग्जरी, 25 डीलक्स, 30 सेमी डिलक्स सहित कुल 82 बसों के परिचालन की शुरुआत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे विधानसभा से उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बिहार में आज से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने यह सौगात पूरे सूबेवासियों को दी है, लेकिन जब नीतीश कुमार ही इलेक्ट्रिक बस पर विधानसभा पहुंचे तो सुनने में यही आया है कि बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या कुछ अभी वहां से सामने निकल कर आ रहा है उत्कर्ष? जी हाँ ऋतिक, आज सुबह पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है जहां पे सीएम नीतीश कुमार ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर इसको परिचालन में लाया, उसके बाद आज वो उसी बस से विधानसभा आए थे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। और जब बस वापस जा रही थी गेट के बाहर, तो जो प्रांगण है विधानसभा का, वहां पे वह क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से प्रांगण का जो दीवाल था वो कुछ हद तक टूट गया। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि जिस तरीके से बस जब घूम रही थी उसी समय वह दीवार से जा टकराई, जिसके बाद क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बस में काफी ज्यादा चोट तो नहीं आई, जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन जो दीवार था वो टूट गया। ऋतिक जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक बसों की सौगात पूरे बिहारवासियों को दी है। और आज खुद सीएम नीतीश कुमार बजट सत्र के लिए विधानसभा इलेक्ट्रिक बस से पहुंचे, लेकिन बस जब विधानसभा पहुंचा तो इस दौरान बस जो है दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया। जो हल्की जो है वो क्षतिग्रस्त बस हुई है, ड्राइवर की जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, वेल के बाहर गार्डन में ही विधानसभा के बाहर जाकर बस टकरा गई, जिसकी वजह से बस में हल्की बस जो है हल्की क्षतिग्रस्त भी हुई है। हाँ, बस आराम आराम से।